हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम करने जा रहे हैं डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू जर्मन एसयूवी फॉक्सवैगन टाइगोन के बारे में। आज हम इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है इसका हाईलाइन वेरिएंट। ये बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी एंड विद ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे। एंड इसका कॉम्पिटिशन स्कॉडा की कुशैक, MG एस्टर, किया सेल्टॉस एंड हुंडई क्रेटा के साथ होता है। एंड ये सेम प्लेटफॉर्म पर बिल्ड है जिस पे स्कॉडा की कुशैक बिल्ड है। वहीं यहाँ पे कुछ ऐसी दिखती है इसकी की, यहाँ पे आपको फ्लिप की देखने के लिए मिल जाती है। एंड स्कॉडा कुशैक में भी आपको यही सेम की मिलती है। यहाँ पे फॉक्सवैगन का लोगो, लॉक बटन, बूट एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है। एंड फ्लिप की दी गई है। 5 डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि है कार्बन स्टील ग्रे, चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, क्यूक्यूमा येलो एंड रिफ्लेक्स सिल्वर। वहीं बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की एंड स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाती है एंड नीचे की तरफ LED DRLs दी गई है। एंड यहाँ पे आपको मस्कुलर हुड बोनेट दिया गया है। वहीं यहाँ पे चलते हैं सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे आपको 3D स्टेप ग्रिल दी गई है एंड यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया गया है। एंड ये न्यू अपडेटेड फॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। वहीं चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट का काफ़ी यूज़ किया गया है इसके फ्रंट लुक में। एंड यहाँ पे हेलोजन फॉग लैम्प्स दी गई है। एंड फ्रंट में आपको सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड ओवरऑल बोल्ड एंड मस्कुलर लुक आता है इसका फ्रंट से, एंड मस्कुलर हुड बोनेट इसको प्रीमियम लुक दे देता है। वहीं चलते हैं साइड की तरफ, तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको 205/60 R16 का एलॉय व्हील दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 188mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साइड बॉडी में आपको क्रीज लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है एंड काफ़ी एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है इसको। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVM मिरर मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। वहीं यहाँ पे आपको वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये ORVMs आपको ऑटो फोल्ड अनफोल्ड मिलते हैं विद लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन के साथ। वहीं नीचे आपको साइड बॉडी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये सेम प्लेटफॉर्म पर बिल्ड है जिस पे स्कॉडा कुशैक बिल्ड है, जो कि है MQB AQIN प्लेटफॉर्म। वहीं चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेस दी गई है। एंड ये इसके लुक्स को काफ़ी बल्की एंड हैवी लुक दे देती है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसके फ्रंट डोर का लुक। यहाँ पे आपको डुअल टोन डोर दिया गया है। यहाँ पे डुअल टोन फिनिश मिल जाती है, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। एंड यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ORVMs के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। वन टच अप एंड डाउन फीचर ड्राइवर साइड दिया गया है। वहीं यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड स्पीकर ग्रिल दी गई है। एंड कुछ ऐसा देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक। काफ़ी प्रीमियम एंड सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है फॉक्सवैगन टाइगोन का। यहाँ पे पेडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं हुड के लिए ओपन करने के लिए लीवर, यहाँ पे हेडलाइट लाइट एडजस्टर। एंड जर्मन कार्स में आपको यहाँ पे मिलते हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल। यहाँ पे AC वेंट दिए गए हैं। एंड कुछ ऐसी दिखती है इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट। 6-way मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉलिस्टी का यूज़ किया गया है। एंड हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर मिल जाता है। एंड यहाँ से आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं इसके इंटीरियर कैबिन की। यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है टाइगोन की। स्टील फिनिश में स्कफ प्लेट दी गई है। एंड चलते हैं अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसे देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक। एंड काफ़ी हैवी डोर दिया गया है, मतलब सेफ्टी के मामले में गाड़ी एकदम सही है। इसमें आपको 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD ब्रेक असिस्ट, ESP हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड ओवर स्पीड वार्निंग मिल जाती है। एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसका एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे स्टिचिंग भी देखने के लिए दी गई है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है इसके स्टेयरिंग व्हील पे। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड एंड यहाँ पे MID के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड सेंटर में फॉक्सवैगन का न्यू अपडेटेड लोगो। एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसका एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वहीं यहाँ पे आपको लेफ्ट में RPM मीटर देखने के लिए मिल जाता है, बीच में MID दी गई है एंड राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया है। नीचे फुल गॉज मिल जाती है एंड यहीं से आप ट्रिप रीसेट कर सकते हैं। इसकी MID में आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस कवर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे डिजिटल स्पीड भी देखने के लिए मिल जाती है एंड यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देता है ये, मतलब इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो हर एक गाड़ी में होने चाहिए। एंड यहाँ पे आपको बिग साइज़ का डैशबोर्ड दिया गया है एंड फुल व्यू आ जाता है इसके डैशबोर्ड से। फ्रंट में आपको ट्विटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं।
6 स्पीकर का साउंड सिस्टम दिया गया है एंड इस वेरिएंट में आपको पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। मतलब भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है ये। यहाँ पे आपको वाइपर्स के लिए कंट्रोल दिए गए हैं एंड लेफ्ट साइड आपको हेडलैम्प्स के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं एंड जर्मन कार्स में आपको ये उल्टा ही देखने के लिए मिलता है। वहीं चलते हैं सेंटर में तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है सिल्वर फिनिश एंड यहाँ पे सेंटर में डिफरेंट टेक्सचर का यूज़ किया गया है एंड यहाँ पे 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ऑप्शन के साथ। इसमें आपको इनबिल्ट GPS नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ़ोन म्यूजिक एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे चलते हैं होम पे। यहाँ पे आपको Volkswagen Play ऐप्स भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ के लिए बटन, यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं लाइक यहाँ से आप लाइट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहीं से आप इसकी क्विक सेटिंग्स, कॉल, म्यूजिक एंड ऐप्स सब सारी सेटिंग्स यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप्स की सेटिंग्स, यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी शो होते हैं एंड इसमें आपको वैले मोड भी दिया गया है एंड यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे वैले मोड का फीचर दिया गया है। वहीं इसमें आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हैजार्ड लैंप्स के लिए कंट्रोल एंड यहाँ पे दिया गया है आपको स्मार्ट फेदर टच क्लाइमेट्रॉनिक AC एंड फेदर टच AC मिलता है यहाँ पे आपको विद एयर के एयर फंक्शन के साथ। मतलब यहीं से मतलब आपको हल्का सा ही टच करना है एंड ये अपने आप ऑन हो जाता है। फेदर टच दिया गया है इसमें एकदम। यहाँ से आप फैन स्पीड एंड टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं चलते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब इसके बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। ये है इसका ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6-speed ट्रांसमिशन विद स्पोर्ट मोड के साथ। यहाँ पे स्पोर्टी लीवर देखने के लिए मिल जाता है एंड ये रिफाइंड इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस दी गई है, यहाँ पे 2 cup holders एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है इसके आर्मरेस्ट पे भी एंड यहाँ पे स्पेस भी देखने के लिए मिल जाती है। डीप स्टोरेज दी गई है यहाँ पे आपको। अपने भी ड्राइवर के टच पॉइंट से वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है लाइक आर्मरेस्ट, यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे एंड डोर पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लव बॉक्स मिल जाता है विद कूल फंक्शन भी दिया गया है इसके ग्लव बॉक्स में। वहीं ऊपर की तरफ आपको मैनुअल IRVM मिरर दिया गया है एंड यहाँ पे रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिल जाती है। वाइट LED रीडिंग लैंप्स दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ये बस एक डमी पार्ट है। यहाँ पे पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है एंड ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। वहीं यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। कि टॉप मोस्ट GT वेरिएंट का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे YouTube चैनल पे एंड ऊपर आई बटन में भी लिंक शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। वहीं चलते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन फिनिश में डोर्स दिए गए हैं, ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में डोर्स मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, नीचे ग्रैब हैंडल एंड पावर विंडो मिल जाती है एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसके इंटीरियर कैबिन का लुक। यहाँ पे 3 separate हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया एंड कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है। वहीं चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद 2 cup holders के साथ, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है एंड रियर में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है, ऊपर LED वाइट रीडिंग लैंप्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम दिया गया है एंड रियर पॉकेट भी मिल जाती है आपको इसकी सीट्स में। वहीं चलते हैं सेंटर में तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं एंड नीचे की तरफ आपको 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल फीचर लोडेड कार दी गई है ये। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके हाईलाइन वेरिएंट में ही आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी बना देता है। वहीं चलते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कुछ ऐसी दिखती है इसकी रूफ एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना दिया गया है एंड इसके डोर्स पे भी यहाँ पे Volkswagen की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। वहीं चलते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको 1 touch टैंक ओपनिंग दी गई है। 1 touch से इसका टैंक ओपन हो जाएगा एंड 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है ये। बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की तो वो आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे एंड कुछ ऐसे देखने में आता है इसका रियर लुक एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट इन सेगमेंट इन्फिनिटी LED टेल लैम्प्स मिलते हैं एंड ये प्रीमियम LED टेल लैम्प्स लगते हैं। यहाँ पे आपको फोटो भी शो हो रही होगी। वहीं यहाँ पे आपको रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड ऊपर की तरफ हाई स्टॉप माउंट लैम्प देखने के लिए मिल जाती है। रियर स्पॉइलर भी दिया गया है इसमें आपको। वहीं यहाँ पे आपको इन्फिनिटी LED टेल लैंप्स दिए गए एंड रियर बम्पर में आपको यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है एंड रियर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 3 parking sensors दिए गए हैं एंड यहाँ पे टाइगन की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड यहाँ वहीं पे TSI की ब्रांडिंग दी गई है। वहीं बात करते हैं इसकी बूट की
तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है विद गाइडेंस के साथ एंड लाइसेंस प्लेट के लिए लैंप। एंड यहाँ पे आपको रियर पार्सल ट्रे भी दी गई है। एंड यहाँ पे आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस दिया गया है। यहाँ पे बूट लैंप दी गई है, फर्स्ट एड किट मिल जाती है एंड टूल किट। वहीं बात करते हैं स्पेयर टायर की, तो यहाँ पे आपको स्पेस सेवर दिया गया है। एंड वहीं एट लास्ट बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर पावर का टॉर्क, 16.44 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है ये। इसके हाईलाइन वेरिएंट में ही आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी बना देता है। एट लास्ट अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।